बच्चों वाला स्टेज है। सबसे पहले मैं आपको टर्म्स समझा दूंगा कि क्या क्या है टर्म्स, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या टर्म्स यूज होगा, क्या क्या परसेंटेज है, कौन सा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या वैरायटी का क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट टर्म इन प्रॉफिट एंड लॉस इज द कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट टर्म है आपका कॉस्ट प्राइस। प्राइस मतलब हम लोग जिस प्राइस पे एक सामान खरीदते हैं, तो परचेज। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब। फिर कॉस्ट प्राइस के बाद आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का डेफिनेशन नहीं चाहिए आपको जानने का, सबको पता ही होगा सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस दाम में हम लोग उस सामान को सेल करते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब हमने जिस दाम में खरीदा, सेलिंग प्राइस मतलब हमने जिस दाम में सामान को बेचा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सामान खरीदा, इसका कॉस्ट प्राइस था रुपीज, आपने उसको बेचा, बेचने के टाइम में आपने उसको बेच, सेलिंग प्राइस जिसमें बेचा वो है ₹120, तो इस केस में आपको प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा दाम में सामान को बेच दिया। कितना का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ ₹20 का, ₹20 का प्रॉफिट हुआ। 100 का सामान आपने 120 में बेचा, आपको ₹20 का। सवाल उठता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, मतलब कि कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में आपने कितना कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में आपने कितना ज्यादा पैसा कमाया, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। कि आपको जो प्राइस पड़ा, मतलब आपने जब सामान खरीदा, आपको जो भी प्राइस पड़ा, जैसे इस केस में ₹100 पड़ा, ₹100, ठीक है, ₹100 पड़ा, आपने उस जगह में 120 में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है कि ये 20 जो कि आपका प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज 20%, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है इज हाउ मच परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स दैट इज द प्रॉफिट है प्रॉफिट। इस केस में कितना प्रॉफिट हुआ? 20% प्रॉफिट हुआ, 20%। अभी आप लोग मुझे बोलिए, एक केस में, नेक्स्ट केस में क्या हुआ? फर्स्ट केस में मैंने उसको 120 में बेच दिया, नेक्स्ट केस में क्या हुआ? मैं इसको बेचा, ₹100 का सामान को मैंने बेचा ₹80 में। अब बोलिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हुआ? इसलिए लॉस हो गया ना, यस लॉस हुआ ना। ₹80 में 100 का सामान, 100 का जो भी सामान था वो मैंने 80 में बेच दिया, तो लॉस हुआ। लॉस हुआ कितने का? लॉस हुआ 100 का सामान 80 में बेचा, तो ₹20 का लॉस हो गया, ₹20 का लॉस हुआ ना। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या है कि जितना भी लॉस हुआ ₹20 का, अपॉन सीपी, ठीक है, मतलब जितना खरीदा उसके बेसिस में कितना लॉस हुआ, उसके बेसिस में कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आप लोग थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो आपको ये सीखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कि हमने जितना में खरीदा उसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा बिका या फिर उसके कंपैरिजन में कितना कम बिका। दो चीज है, एक हमने जितना में खरीदा दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस, के कंपैरिजन में कितना ज्यादा बिका और उसके कंपैरिजन में कितना कम बिका। ओके, तो दैट इज 20 बाई सीपी। यहाँ पे सीपी कितना था? 100, तो दैट विल गिव यू 20 बाई 100, मीन्स 20, ये हो गया लॉस। तो वो था पहले वाला जो था वो था, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये है ना डाउट, यहाँ तक डाउट है क्या किसी को? तो अभी हमारा हो गया प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे। मैं अभी आपको एक एक चीज का एनालॉजी दिखाता हूँ। सपोज सीपी है मेरा कुछ, कोई भी सीपी है कॉस्ट प्राइस,
और मैंने जो ट्रांजेक्शन किया, मतलब मैंने कोई चीज किसी कॉस्ट प्राइस में खरीदा और मैंने जो ट्रांजेक्शन किया, तो आप कॉस्ट प्राइस छोड़ो, आप सोचो मैंने एक चीज 100 रुपीज में खरीदा और मैंने उसको 20% प्रॉफिट में बेचा, कितने रुपए में बेचा? 20% प्रॉफिट में अगर बेचा तो मैंने उसको कितने रुपए में बेचा? 120, ठीक है, इससे 20% ज्यादा में बेच दिया होगा ना, इससे 20% ज्यादा में बेच दिया होगा, जो भी दाम था मैंने उसको 20% प्रॉफिट में बेचा, मतलब उसको 20% ज्यादा दाम में बेच दिया। अल्टीमेटली प्रॉफिट तो वही है ना कि जो सीपी है उससे 20% ज्यादा दाम में बेच दिया, वही तो प्रॉफिट है, ठीक है। अगर मैं इस 100 के जगह में 70 लूं, अगर मैं इसको 30% प्रॉफिट में बेचूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं मैंने जिस दाम में बेचा उसको, दैट इज 130% ऑफ 70। ये सबको समझ में आता है? एवरीवन कैन कॉम्प्रिहेंड विद दिस? सबको ये समझ में आता है ना? यस और नो बोल दो, ये वाला चीज। ये वाला, ये जो 70 का 30% जो इंक्रीज हो रहा है, 130% ऑफ 70 हो रहा है, ये समझ में आता है कि नहीं? ठीक है, तो ये है कि 70 में 30% ऐड करने से 130% ऑफ 70। ये सबको समझ में आता है कि नहीं? आप लोग कोई रिप्लाई क्यों नहीं देते? समझ में आता है कि नहीं, या फिर इसमें भी प्रॉब्लम हो ये समझने में? ये हम लोगों ने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में ऐसा किया था ना, तो 100 to 130 कैसे हो? 100 + 30 = 130। 70 था, उसमें 30% इंक्रीज हुआ, तो 130% होगा ना? 130% ऑफ 70 नहीं होगा क्या? 70 मतलब 100% ऑफ 70 है ना? 70 का मतलब 100% ऑफ 70 है ना? उसमें 30% इंक्रीज होगा तो 130% होगा। ये हम लोगों ने बहुत पहले से किया, ठीक है। आप पहला का क्लास टेस्ट देख लो अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है कि ये जो है ये परसेंटेज इंक्रीज ही है। सपोज आपका अगर कोई कोई कॉस्ट प्राइस है, सपोज आपका 120 रुपीज, यहाँ पे अगर आपने फिफ्टी परसेंट इंक्रीज कर दिया, तो एसपी कितना आएगा? न्यून। अगर आपने 50% इंक्रीज किया तो एसपी कितना आएगा? सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस हियर? 170। 50 इंक्रीज नहीं करना है, 50% इंक्रीज करना है, 180 आएगा ना? हाँ 180 आएगा, 180 आएगा ना। 50% कितना है? 60, 120 का 60 है ना, तो 60 इंक्रीज होगा, 180 आएगा, ठीक है। तो इसी 180 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 120 में जो 50% इंक्रीज हो रहा है, इट कैन बी रिटन एज 150% ऑफ 120, सेम आंसर देगा, कैलकुलेट करके देख लो चाहे तो, ठीक है, वो भी आपको 180 ही देगा। मैं आपको सिर्फ वही बोल रहा हूँ कि ये सारा चीज रिलेटेबल है, कि हम लोग बाद में जाएंगे तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स यूज, शॉर्टकट्स यूज करेंगे, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया सीपीएसपी का। अच्छा, अभी अगर मैंने बोला और एक चीज, अगर मैं आपको बोलूं एक कोई ट्रांजेक्शन में 40% का प्रॉफिट हुआ है, 40% देयर इज प्रॉफिट ऑफ 40%, आप मुझे बताओ कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? तो सर आप बोलोगे कि 40% प्रॉफिट मतलब क्या है? 40% परसेंटेज इंक्रीज है,
40% इंक्रीज हुआ है सीपी से एसपी में जाने में। 40% प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि सीपी से एसपी में जाने में 40% का इंक्रीज हुआ है। 40% का मतलब क्या है, 2/5। तो सीपी अगर मेरा 5 था तो एसपी जो है वो 5+2 7 होगा, ठीक है, ये आ गया सीपी एसपी का रेशियो। अगर मेरा 30% प्रॉफिट हुआ है, सपोज 30% अगर मेरा किसी केस में प्रॉफिट हुआ, 30% का मतलब क्या है, 3/10। 30% प्रॉफिट मतलब क्या कि सीपी जो था उससे सेलिंग प्राइस में जाने में, सीपी से सेलिंग प्राइस में जाने में मुझे 30% इंक्रीज हुआ है। मतलब अगर मेरा सीपी 10 था, मेरा सेलिंग प्राइस उससे 3 ज्यादा है, 13 है, ठीक है। सेम चीज आपको डेप्थ में समझाने के लिए, और डेप्थ क्या, यही एक्चुअली यही यूज होगा प्रॉब्लम्स में, ऐसे यूज होगा, ठीक है, ये दो चीज। अभी आप लोग मुझे खुद से बताओ कि अगर 25% का प्रॉफिट होता है तो सीपी और एमपी में रेशियो क्या होगा, सॉरी सीपी और एसपी में। 25% का अगर प्रॉफिट होता है तो सीपी और एसपी में रेशियो क्या होगा, प्लीज टेल मी। ठीक है, क्योंकि 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब है 1/4। तो 25% प्रॉफिट मतलब क्या है कि सीपी से एसपी में जाने में 25% का इंक्रीज हुआ है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का तो वही मीनिंग है ना कि जो एसपी है वो 25% ज्यादा है सीपी से, जो एसपी है जितने दाम में हमने बेचा है वो 25% ज्यादा है, मतलब सीपी से एसपी में जाने में 25% का इंक्रीज हुआ। तो रेशियो क्या होगा, सीपी जो है 4, वो 4 नहीं रह के 4 में और प्लस 1 बढ़ जाएगा, 4+1 हो जाएगा, तो 4+1 क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। आप लोग मुझे अभी कुछ कुछ रेशियो बताइए, मैं लिख देता हूँ। सपोज यू टेल मी द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इन टर्म्स इन केस ऑफ 15% प्रॉफिट, इन केस ऑफ 35% प्रॉफिट, एंड इन केस ऑफ 55% प्रॉफिट, एंड इन केस ऑफ 41.66% प्रॉफिट। लेट्स सी चारों किसको आता है, प्लीज ट्राई। फर्स्ट वाला बोलिए पहले, 15% वाला, सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा 15% प्रॉफिट के केस में। बाकी लोगों को नहीं आ रहा है समझ, हाँ 20+3 करेक्ट, बिकॉज 20 और 15% 3 है ना, 20 का जो 15% है वो 3 है, ठीक है, 20 का 15% मतलब 3/20, यस। तो 3/20 का मीनिंग क्या है कि 20 का 15% 3 है, तो आप अगर 20 में 15% ऐड कर दोगे तो 20 में 3 ऐड होके 23 बनेगा ना, वो लॉजिक है, ठीक है। बाकी लोगों का क्या हुआ, राज, फिर आपका मोनी ज्योत्सना, प्रियाक्षी, अभिषेक, तोबिक, समझ गया ना, ओके ओके ओके, ठीक ठीक है, से गुड। तो 15% प्रॉफिट, 15% मतलब 3/20, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो सीपी अगर 20 रहेगा तो एसपी क्या होगा, इससे 3 ज्यादा, मतलब 23।
35% का मतलब है 35/100, 35% कितना है, 20:27, 35% मतलब 5 7 जा 5 20 जा 7/20, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो है 20:27। 55% का कितना होगा फ्रेंड्स, 11:20 कैसे होगा, 20:31 होगा ना, सही है। 55/100 लेना है 55%, ये 11 से कटेगा 5 बार और ये 5 से 20 बार। CP:SP का रेशियो क्या होगा, जो नंबर 20 था वो 55% इंक्रीज हो गया, मतलब और 11 इंक्रीज हो गया, बन गया कितना, ये वाला बताइए, 41.66 वाला देखते हैं। फाइव इज टू टू ना हो बोलो, प्रॉफिट हो जाए प्रियक्षी, SPNU बेसी हो। लेट्स सी इफ एनीवन कैन फाइंड आउट 41.66% प्रॉफिट होगा। वेरी नाइस, 12:19 होगा जानो, 12:17, यस वेरी नाइस सुपर, 12:17 होगा, बिकॉज 41.66% का मैंने आपको फर्स्ट के क्लासेस में बोला था, इसलिए मैं चेक कर रहा था। 41.66% इज नथिंग बट इट इज 50% माइनस 8.33%, 50% का फ्रैक्शन है 1/2, 8.33 का है 1/12, ये दोनों को आप माइनस करेंगे तो आएगा 5/12 का मतलब 41.66 का परसेंट का वैल्यू है 5/12, ही लव वेरी नाइस, 41.66% का जो वैल्यू है वो है 5/12, ठीक है। सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा, का वैल्यू आ गया 5/12, तो अभी तो आप नहीं आराम से निकाल लोगे, सीपी 12 है तो एसपी क्या होगा, 12 + 5, 12:6 रेशियो, क्लियर नाउ टू एवरीवन, सब क्लियर हो गया, ठीक है। अभी दो तीन आप लोग मुझे लॉस का बता दो, 40% लॉस होने से CP:SP का रेशियो क्या होगा, 40% लॉस, और केस हो सीपी और एसपी जो रेशियो लाभ ये तो क्यों लाभ, 40% लॉस मतलब क्या, 40% मतलब क्या है, 5/2, 2/5, 40% का लॉस होना मतलब जो सामान 5 का था वो 5 का नहीं हुआ, उसमें 40% कम हो गया, तब ये 5-2 हो गया, क्या हो गया, ठीक है। अभी आप लोग मुझे बताइए 75% लॉस के केस में सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, दिस इज द लास्ट वन, विल मूव टू द क्वेश्चंस, ये वाला बताइए 75% लॉस में सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, फोर इज टू वन, 75% का वैल्यू क्या होता है, 3/4 होता है ना, तो मतलब सीपी अगर मेरा 4 था तो एसपी जो है वो 4 से -3 हो गया, 75% कम हो गया ना, तो 4-3 हो गया, मतलब बढ़िया।
ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एन आइटम इज सोल्ड फॉर डबल प्राइस, मतलब डबल प्राइस में बेच दिया, यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है ये निकालना है। कीजिए एक आइटम को उसके डबल प्राइस में बेच दिया, 100% हो, 100% 100% करेक्ट करेक्ट 100% प्रॉफिट, वेरी नाइस। एक आइटम को उसके डबल प्राइस में बेच दिया, मतलब अगर आइटम 100 का था तो बेच दिया कितने में, 200 में, ठीक है। जो आइटम 100 का था उसको बेच दिया कितने में, 200 में, प्रॉफिट कितना हुआ, 100, प्रॉफिट परसेंटेज कितना, 100/100, 200, तब 100%, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला, 100 मिला ना, पूरा ही तो मिल गया उसको पैसा, जितना उसने खर्च किया था उसको तो पूरा ही पैसा एक्स्ट्रा मिल गया, 100% प्रॉफिट हो गया। क्लियर है ना सबको, किसी को डाउट तो नहीं है शायद, होपफुली अभी तक क्लियर है ना। अच्छा, एक एक आइटम को अगर मैं डबल नहीं बेच के ट्रिपल प्राइस में बेचूं तो कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अगर ट्रिपल प्राइस में बेचा तो, 200% अगर हमने इसको 100 की जगह 300 में बेचा तो प्रॉफिट कितना होगा, 200 का प्रॉफिट परसेंटेज 200/100, 200/100 कितना होता है, 2, मतलब 200%, ठीक है। तो अगर 2x में बेचेंगे ना तो 100% प्रॉफिट आएगा, 3x में अगर बेचेंगे तो 200% आएगा, 4x में अगर बेचेंगे तो 300% प्रॉफिट आएगा, 5x में अगर बेचेंगे तो 400 रहेगा। ये चीज आप लोग याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि डबल प्राइस में बेचा तो कितना होगा, ट्रिपल प्राइस में, फोर टाइम्स प्राइस प्राइस में बेचा। आई डोंट वांट यू टू सिट देयर एंड कैलकुलेट, वहां पे बैठ के आपको कैलकुलेट नहीं करना है, तो चीज दिमाग में रख सकते, छोटा छोटा चीज है, ठीक है। तो अगर उसको ट्वाइस प्राइस में बेचा तो 100% प्रॉफिट होगा, अगर उसको हाइस प्राइस में बेचा तो 200% प्रॉफिट होगा, अगर फोर टाइम्स में बेचा तो 300, फाइव टाइम्स में बेचा तो 400 एंड सो। उसके बाद हम लोग, मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन कीजिए, मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 54.8 एंड सेल्स इट फॉर 68.5, फाइंड हिज गेन परसेंट। प्रोसीजर 20% प्रॉफिट, ओके। अदर्स मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 54.8 सेल्स इट फॉर 68.5, 20%, ओके, वेरी नाइस। देखो सिंपल, फॉर सिंप्लीफिकेशन हमको तो गेन परसेंटेज ही निकालना है ना, परसेंटेज ही तो निकालना है, तो ये डेसिमल को इग्नोर करो, काम नहीं है डेसिमल। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा कॉस्ट प्राइस 548 है और मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो 685 है, मुझे तो परसेंटेज ही निकालना है। आप जिधर भी डेसिमल रखो, आप जब परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड करेंगे ना
ऑटोमेटिकली वो कैंसिल आउट हो जाएगा कि तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कितना ज्यादा गेन परसेंटेज कितना है, कितना ज्यादा मैं बेचा वो देखो, कितना ज्यादा प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पे, 685 माइनस कितना है ये, 30 और 7, 37, 137, 137, तो प्रॉफिट इतना हुआ। अभी प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है 137 का, भाई कॉस्ट प्राइस कितना है 685, सॉरी सॉरी 548, तो कितना होगा, 130 का 3 टाइम्स होता है, 130 का 3 टाइम्स होता है 510, 7 का 3 टाइम्स होता है, 130 का 4 टाइम्स होता है 510, 520, 28, मतलब ये तो इसका 4 टाइम्स है, 25% आंसर है ना, 1/4 है, 1/4 तो 25% होगा, क्लियर है ना सबको भाई लोग, सबको समझ में आ गया ना क्यों 25% होगा, 20% नहीं होगा, क्या 20% तो नहीं होगा, 25% होगा। आप लोगों ने जहां गलती किया उसको सुधारो, यहाँ पे पॉइंट लेने का कोई मतलब नहीं है, आप पॉइंट भी लेगा ना डेसिमल में डिवाइड डिवाइड करने में पॉइंट रह जाएगा, वो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट पॉइंट लेने का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट हटाओ इजीली सॉल्व करो, किसी को डाउट, कोई भी तरह का किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन में, आंसर तो 25 है, सिर्फ नीलव और अभिषेक ने राइट आंसर दिया, को डाउट है कि एनीवन, नहीं है ना, एकदम सिंपल सॉल्व किया, देखो उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, एकदम ही सिंपल, जो प्रॉफिट निकाला प्रॉफिट बाय सीपी इज द, आप लोगों ने क्या गलती किया छोड़ो, कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हुआ होगा, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ये वाला करके दिखा सकते हैं क्या कोई, फाइंड एसपी when TP is this much and gain is 33.3, find SP, आपको selling price निकालना है, जब cost price दिया हुआ है दो केस में, एक में 31.2 और एक में 7.9, एक में gain है 33.33, for your knowledge 33.33% का मतलब होता है 1/3, please try to answer this। देखो सिर्फ फर्स्ट वाला सॉल्व करो, फर्स्ट वाला सॉल्व करो, ये चारों में से अगर आ जाता है फिर उसको आंसर टिक कर दो, और नहीं तो नॉन ऑफ दिस ही आंसर होगा, सेकेंड वाला तो चेक करने की ऐसी भी जरूरत नहीं, फिर भी आप लोग कर लो और प्रैक्टिस। फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 31.2 एंड गेन इज 33.33, असुर जो बी, तो और किसी का नहीं आ रहा आंसर, देखो 33.33% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1/3 का प्रॉफिट हुआ, मैं आपको एक चीज, 1/3 का प्रॉफिट हुआ, मतलब जो भी सीपी है, सॉरी सॉरी 1/3 का प्रॉफिट हुआ है ना, तो जो भी एसपी है दैट इज सीपी से वो 1/3 ज्यादा है ना, सीपी से 1/3 ज्यादा है, मतलब 4/3 ऑफ सीपी है, ये सबको समझ में आ जाएगी, परसेंटेज इंक्रीज याद करो, ये चीज हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 1/3 इंक्रीज होता है मतलब वो अपने आप का 4/3 हो जाता है,
एनी नंबर, यू टेक एनी नंबर एक्स, अगर वो 1/3 इंक्रीज होता है, मतलब एक्स प्लस एक्स एक्स इंटू 1/3, ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स बाई थ्री दिस इज एक्चुअली 4/3x, तो वो अपने आपका 4/3 बन जाता है। वही मैंने किया कि कोई नंबर सीपी जो था वो कितना इंक्रीज हुआ, प्लस 1/3 इंक्रीज हुआ ना, वो अपने आपका 4/3 हो गया, यही सेलिंग प्राइस है, ये तो प्रॉफिट हो, ठीक है, नहीं करना था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, सीपी दिया, सीपी दिया हुआ है, तो एस पी इज इक्वल टू 4/3 इंटू सीपी कितना है, 31 पॉइंट, काटो जो भी कटता है इससे, 104, तो मतलब 10.4, 10.4 इंटू 4 कितना होगा, 41.6 होगा, पर बी इज द राइट आंसर, सिंपल था ये, इसमें क्या था, इसमें क्यों आपको प्रॉब्लम फेस भी नहीं था, एस पी इज इक्वल टू 4/3 ऑफ सी पी, प्रॉफिट 1/3 का है, तो मतलब वो नंबर अपने आपका 4/3 हो जाएगा, क्या है, वो नंबर अपने आपका 4/3 हो जाएगा, समझ में आया सभी को कैसे कैसे हुआ ये क्वेश्चन। समझ में आ जाने से एक बार यस बोल दो, नहीं समझ में आने से नो बोल दो, मैं वापस समझाऊंगा आप लोगों को। और ऑलरेडी आ जाने से यस बोल दो, तो आप लोगों ने पहले आंसर, सर सेकंड ऑप्शन तो आना है, सेकंड ऑप्शन टू आना है, मैंने ओ सेकंड टू मिलाना ही नहीं की, ओके सेकंड टू मिलाना ही नहीं, सेकंड टू की कोई ऐसे सीपी 72.9, लॉस इज 5%, सेकंड वाला केस देखते हैं, सीपी 72.9 कोई भी सीपी है उसमें अगर 5% का लॉस हो गया, 5% मतलब कितना होता है 1/20 वो कम हो जाएगा, कोई भी नंबर जब 1/20 कम हो जाता है तो वो अपने आपका 19/20 बन जाता है, ठीक है, तो जो एस पी है, एस पी मुझे नहीं दिया हुआ, एस पी इज इक्वल टू इस केस में होगा 19/20 इंटू, आप सीपी रखो 19/20 इंटू 72.9, ठीक है, तो आ जाएगा 28.5, आंसर आएगा 8.5 इंटू 7.3, सपोज 8.5 इंटू 8.5 इंटू 7.3 का वैल्यू कितना है, 62.41 ना आंसर, राशु जो ठीक है, नहीं नहीं 62.05 नहीं होगा, 62.41 होगा, ठीक है, तो चलो ये नहीं होगा, ठीक है, चलो ये तो आपको फंसाने के लिए दिया, लेकिन वो उसके आंसर से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट कैसे जल्दी कर, कैसे जल्दी हो रहा है, 5% लॉस होने से कैसे जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 19/20 डाल दिया, ठीक है, ये सब चीज आपको समझ में आना चाहिए, कैसे परसेंटेज से इंक्रीज होने से क्या होना चाहिए, डिक्रीज होने से क्या होना चाहिए, ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गया ना, एक बार यस बोल दो फिर आगे बढ़ते, अगर समझ में आ गया तो यस बोल दो फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे।
मैं सेकंड वाला किया नहीं, बट मैंने सोचा ठीक है सेकंड वाला मैंने भी सेम ही सोचा, समझ में आ गया ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्या करो, ये वाला कीजिए तो दिस द पर्सन इनकर्स 12% लॉस। आप अपना मेथड से कीजिए फिर मैं देखता हूँ। 12% लॉस हो रहा है जब वो उसको बेच रहा है 65208 में, कितना में बेचना चाहिए ताकि उसको 36% प्रॉफिट हो जाए। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये 12% लॉस हुआ तो कितना परसेंट में बिका होगा? सामान को बेचने में 12% लॉस हुआ है तो कितना परसेंट में बिका होगा वो? 88% में बिका होगा ना। कोई भी सामान है जिसका कोई भी कॉस्ट प्राइस है उसको तो बेचने में 12% लॉस हो गया, 12% लॉस हो गया मतलब वो 88% में बिका होगा, 88% ऑफ सीपी। तो मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 88% है, मतलब ये वाला इतने में बेचा ना उसने, तो जो 65208 है दिस थिंग इज 88% ऑफ सीपी। ठीक है, जो एसपी था सेलिंग प्राइस ये है ना, दैट इज 88% ऑफ सीपी। बस अभी हो गया क्वेश्चन में, ये तो देख के लग रहा है 11 से कट जाएगा। 88/100 इंटू सीपी, तो आप 11 से काटो दोनों को, 11 से ये कटेगा 8 बार, ये भी 11 से कट जाएगा, 11 से कटेगा ये 5 बार, 102 9 बार, 30 2 बार, 88 8 बार, 5928। फिर 8 से कटेगा क्या, देखो 8 से भी कट जाएगा ये, 8 से अगर काटेंगे तो 8 7 56, 32 8 4 32 और 1 741। ठीक है, फिर सीपी आ जाएगा इससे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 741 00, 741 00, इससे कॉस्ट प्राइस मेरा निकल के आ गया 741 00। आपको क्या करना है, 36% प्रॉफिट चाहिए आपको। ठीक है भाई, ये कॉस्ट प्राइस है 741 00, आपको इसको 36% प्रॉफिट में बेचना है। 36% प्रॉफिट में अगर बेचना है तो इसको 136% में बेच दो,
136% of CP is equal to 136 by 100 into 74100. 0000 काट दो, मल्टीप्लीकेशन करो. यहाँ पे एक्चुअली नंबर्स थोड़ा सा लेंदी है, आप टेंशन मत लो. आप अगर यहाँ तक भी क्रैक कर दिया क्वेश्चन को, फिर इट इज डन, नो प्रॉब्लम. ठीक है, बाकी तो आपका कैलकुलेशन होने से वो हो जाएगा. ठीक है, सो आंसर आएगा 100077. बड़े क्लियर है सबको? नंबर्स का टेंशन मत लो, नंबर्स इससे इजी आएगा पेपर, बस टेक्निक देखिए. क्लियर हो रहा है ना सबको? प्राचुर्य और नीलव को छोड़ के बाकी लोगों को पूछो, लोग दोनों का तो क्लियर हो रहा है. बाकी लोगों का क्लियर हो रहा है ना? क्या हो रहा है क्लास में? बाउंसर तो नहीं जा रहा है किसी का? ऑल गुड नो? ठीक है, ये समझ में आ गया ना? एकदम सिंपल सिंपल चीज कर रहे हैं हम लोग. फर्स्ट में 12% लॉस हुआ था, कॉस्ट प्राइस था उसमें 12% लॉस हुआ, मतलब 12% कम में बिका होगा. तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा. यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे के रखा था 65208, इसको मैंने रख दिया 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस, उससे मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया. कॉस्ट प्राइस एक बार मैंने निकाल लिया, मुझे 36% प्रॉफिट ही ऐड करना है, ऐड कर दो, क्या प्रॉब्लम है? या फिर आप यहाँ पे 36% प्रॉफिट ऐड कर दो, ये जो कॉस्ट प्राइस है इसका 36% निकालो, उसमें ऐड कर दो, वो भी हो जाएगा, कैसे भी करो. ये वाला क्वेश्चन कीजिए. मैन सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 1600 टू भूपेंद्र एट ए कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 25%. भूपेंद्र देन सेल्स इट टू चंदन मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द प्राइस ही पेड टू अमन. हाउ मच डस चंदन? इजी क्वेश्चन है, ये कर लो. इसमें एटलीस्ट 5-6 लोग तो आंसर देना प्लीज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. आज 400 तो 2400 मतलब बी आ रहा है ना सबका. क्या है देखो, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 1600. जो भी मैन है उसको कॉस्ट लगा 1600, कॉस्ट प्राइस लगा, वो बेचा प्रॉफिट ऑफ 25% में. 1600 का 25% कितना होता है पता है क्या? 1600 का 25% 400 रुपये होता है, 1/4. ठीक है, 25% मतलब कितना होता है? 1/4, तो इसका 1/4 400 होता है, तो 400 मतलब 2000 में बेचा है. मैन सेल्स एन आर्टिकल टू भूपेंद्र एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब भूपेंद्र का कॉस्ट प्राइस ये है, ये भूपेंद्र ने इतने में खरीदा है. भूपेंद्र चंदन को बेचता है मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%. भूपेंद्र फिर चंदन को बेचता है और 20% प्रॉफिट लेके, इसका 20% कितना है? 400, और 400 लगा के 2400 में बेचता है चंदन को,
हाउ मच डस चंदन पे भूपेंद्र, नहीं पे करता है। ठीक है, ये तो बहुत इजी था ना, आपका प्री लेवल में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऊपर से एसबीआई क्लर्क में शायद यही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से, मैं दूसरा चैप्टर से, प्रॉफिट एंड लॉस से तो इतने यही आने का चांस। ठीक है चलो, तो ये समझ में आ गया सबको, पहले सामान खरीदा था 1600 में, 1600 में खरीदा था, वो आदमी ने भूपेंद्र को बेचा 25% प्रॉफिट, मतलब 25% मतलब 400 प्रॉफिट, मतलब 2000 में भूपेंद्र को बेच दिया, तो भूपेंद्र ने 2000 में खरीदा, फिर भूपेंद्र 20% में बेच देता है अमन को। अच्छा सॉरी सॉरी, भूपेंद्र देन सेल्स इट टू चंदन मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द प्राइस ही पेड टू अमन। हाँ सही है, ऑन द प्राइस ही पेड टू अमन, तो अच्छा ये ए मैन नहीं है, ये अमन, ऑन द प्राइस ही पेड टू अमन, मतलब वो 2000 में वो 20% कमा के 2400 रुपये में बेच दे रहे। आ गया सबको समझ में? एनीवन, किसी को डाउट, कोई तरह का शंका, एनी कंफ्यूजन, किसी तरह का इसमें डाउट है ना? ये वाला क्वेश्चन कीजिए, रमेश परचेज द मशीन फॉर 24,000 एंड स्पेंट 6,000 ऑन रिपेयर एंड 10,000 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड सोल्ड इट विद 12.5% प्रॉफिट, तो कितने दाम में बेचा वो पूछ रहे। ये वाला करो, सी 45,000, नन ऑफ दिस। देखो रमेश परचेज द मशीन फॉर 24,000, नन ऑफ दिस। 24,000 में खरीदा, मैं 6,000 रुपये और स्पेंड किया रिपेयर में, 10,000 स्पेंड किया ट्रांसपोर्ट में, 40,000, 40,000 उसको पड़ा कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा 40,000। ठीक है, उसमें उसने 12.5 1/8 प्रॉफिट लिया, 5,000, 45,000 इज योर आंसर, इसमें कहाँ नन ऑफ दी जाएगा। 40,000 कॉस्ट प्राइस है ना भाई, 24,000 में खरीदा तो क्या हुआ, उसमें खर्चा भी तो किया ना, वो भी तो कॉस्ट ही है ना, 6,000 खर्चा किया, फिर उसमें 10,000 रुपये ट्रांसपोर्ट में लिया, तो उसको टोटल तो उसको पड़ा 40,000, फिर उसमें उसने सॉरी सर देखा ना, ओके ओके, तो 1/8, ये 12.5% का फ्रैक्शन कितना है, 1/8 है ना, ये पता है ना आपको, 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये जो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 40,000 ना,
तो उसमें 1/8 का प्रॉफिट हुआ, ये 40,000 का 1/8 कितना होता है, 5,000 ना, 5,000 होता है, 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो कितना में बेचा उसको, 45,000 में बेचा होगा। ओके, सो ऑप्शन सी 45,000 इज द राइट आंसर। ऐसा भी हो सकता है 100+12.5% हाँ हो सकता है, हाँ वो भी कर सकते हैं, 112.5% ऑफ, लेकिन जरूरत नहीं है, 12.5% का वैल्यू हमको पता है ना, जरूरत है, लेंदी होगा, लेंदी नहीं करना है ना, इजी बनाना है, इजी बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन को जितना हो सकता है उतना ही इजी बनाना है, अगर दिमाग में कर सकते हैं तो दिमाग में कर लो, ये वाला क्वेश्चन में पेन चलाने का जरूरत नहीं था, ये डायरेक्ट दिमाग में हो जाता, यहाँ पे 24,000, 6, 30,000, 40,000 प्रॉफिट हुआ है 1/8 का, 40,000 का 1/8 मतलब 5,000, तो 40,000 और 5,000 45,000 में पेन चलाने का जरूरत नहीं था, इसलिए आप तो जो जो क्वेश्चन विदाउट पेन हो सकता है वो विदाउट पेन करना ही ठीक है, ये वाला हो गया, और देता हूँ जस्ट मिनट आप लोगों, आज हम लोग सीपी और एसपी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल हम लोग करेंगे मार्क प्राइस, फिर बाकी डिस्काउंट वगैरह ये सब कल करेंगे, ठीक है, फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एक टॉपिक है वो भी हम लोग करेंगे, उसको थोड़ा बहुत देखना है, वो अगर आ गया तो फिर वो, आप लोग एक काम करो, 22 पर केजी देयर बाय लूजेस 12% मार्क प्राइस सेफ सोल्ड, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, तो ये सेम क्वेश्चन है, इसीलिए करा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने इधर ही किया, होमवर्क करना ये हो गया, ये वाला कीजिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस, आप लोग कीजिए, मैं चार्जर लगा देता हूं, तो आपको गेन प्रॉफिट परसेंट बताना है, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 पेन्स मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना पेन, 24 पेन, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस तो एक का कॉस्ट प्राइस होता है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वो एक पेन का होता है, एक पेन, एक पेंसिल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 पेन्स इज सीपी इनटू 24 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन्स, यहां से आप लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, सीपी बाय एसपी कितना होगा, ये 8 से 3 बार, 8 से 2 बार, सीपी बाय एसपी आएगा 2/3, तब सीपी और एसपी का जो रेशियो है ऐसे लिखने से ज्यादा क्लैरिटी आता है, 2:3, तो प्रॉफिट परसेंट कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर, सीपी कितना है, 2 है, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, तब कितना परसेंट, 1/2 इज इक्वल टू हाउ मच, 50% प्रॉफिट हुआ, वेरी नाइस, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है, सीपी 24 का सीपी जो है वो एसपी कितने का है, 16 का एसपी है, आपने
16 और 24 को रेस जिसमें काटने काट लिया, रेशियो निकल के प्रॉफिट निकल लिया, समझ में आ गया। ये हमने इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही दिखा दिया था कि सीपी और एसपी को प्रॉफिट परसेंटेज के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना किसी। अच्छा अभी आप लोग जिनको समझ में नहीं आया, आप लोग मुझे एक बात बोलिए कि अगर सीपी और एसपी का रेशियो 3:4 है तो प्रॉफिट कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ फिर? आप प्रासुर जो और नीलव, आप दोनों आंसर में, आप लोग आंसर मत दीजिए, बाकी लोगों को पार्टिसिपेट करने कि अगर सीपी और एसपी का रेशियो 3:4 है प्रॉफिट परसेंटेज हुदी सु परसेंटेज किमान होगा 1 तो ठीक है बारो परसेंटेज टू किमान प्रॉफिट परसेंटेज किमान है वो, प्रॉफिट जो दी 1 होए देन प्रॉफिट परसेंटेज किमान हो वो, यस 33.33%, यस करेक्ट 33.33% नो प्रॉफिट याद किमान हुए से 1 और प्रॉफिट हुए से तो प्रॉफिट परसेंटेज किमान हो वो 1/ प्रॉफिट बाय सीपी होए नो बाय सीपी होए 1/3 परसेंटेज की मान 33.3 कैसे सो तेने किया मेरे सॉल्व पीएनएसपी रेशियो उले उलाएगो देन प्रॉफिट की मान होल 1 और प्रॉफिट होल की होत सीपी ऊपर 1/2 दैट इज 100%, ठीक है ना। बाकी लोगों को समझ में आ गया ना, जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया, बीना फिर अभिषेक फिर और कौन निकला आज तो भी नीला वनीषा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कुछ भी समझ में नहीं आता है प्लीज आस्क मी, ओके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लगने से कोर्स डिले होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पढ़ना है एकदम क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करेंगे, फिर फायदा नहीं है। चलो ये हो गया, केवल आप लोग कर लेंगे, सेम चीज है ये होमवर्क कर लेना। तो यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू अननोन दे दिया, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल्स सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, ठीक है। तो एक चीज अननोन है, आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग एक काम किया, अभी हमारा तो हो गया बाकी, और दो ही क्वेश्चन बचा है आज के लिए, टाइम भी थोड़ा सा ही बचा है। आप लोग ये वाला क्वेश्चन, let's see who can do it. On selling 28 notebooks, a seller makes a profit of equal to the selling price of 28 notebooks. What is the profit percent? ये पूछा। ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या बोला है, क्वेश्चन समझना ही डिफिकल्ट है बाकी तो। चलो आज रीजनिंग का क्लास भी कैंसिल हो, और एक्चुअली आज क्वेश्चंस भी उतना नहीं है, इसलिए मैं क्लास स्ट्रेच कर देता था।
75%, ओके, वेरी नाइस। बाकी लोग देखो क्या करना है। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला है, उसने 28 नोटबुक सेल किया है, उस आदमी ने 28 नोटबुक सेल किया है, मतलब 28 नोटबुक सेल हुआ है, ठीक है। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 28 का जो तो 28 सीपी है, जो ओवरऑल जो टोटल उसका पैसा है, टोटल कॉस्ट प्राइस वो 28 सीपी है, क्योंकि उसने 28 नोटबुक सेल किया है, उसका उसको उसको जो 28 नोटबुक जो सेल किया उसको जो कॉस्ट प्राइस लगा होगा वो 28 सीपी लगा होगा ना, तब सीपी एक का कॉस्ट प्राइस है। सेलर सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स, ठीक है, मतलब जो उसका प्रॉफिट हुआ है वो है 12 नोटबुक का सेलिंग प्राइस, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 12 नोटबुक का सेलिंग प्राइस, इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो बारह नोटबुक सेलिंग प्राइस के बराबर उसका, मेक्स प्रॉफिट ऑफ इक्वल सेलिंग प्राइस 12 नोट, सोच लेता, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी थोड़ा सोचने दो, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन। सेलिंग 28 नोट सेलर मेक्स प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 12 नोट, 12 नोट सेलिंग प्राइस है वो उसका प्रॉफिट। तो एसपी माइनस सीपी होगा 28 का, कैलकुलेशन प्रॉफिट कितना हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ, कितने में, 4 में, 3 में 4 मतलब 75%, करेक्ट। आप लोगों ने किस
करेक्ट 75% हो, आपका 25% कैसे आया, 1/4 कैसे होगा यार? वन बाई फोर कैसे होगा? 75% आंसर है, सही है। ऑन सेलिंग 28 नोटबुक्स, मतलब 28 नोटबुक्स, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सेलिंग प्राइस 28 SP होगा, 28 नोटबुक का सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस टोटल 28 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस होगा 28 CP, और 28 नोटबुक का सेलिंग प्राइस होगा 28 SP, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 12 SP, ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 12 नोटबुक का सेलिंग प्राइस, बस हो गया। फिर आप जैसे इधर घुमाओ, रेशियो निकालो 4/7, सीपी और एसपी का रेशियो आता है 4:7, मतलब प्रॉफिट कितना का हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ, किस पे, 4 पे, 3/4 का वैल्यू कितना होता है ऐसे? क्लियर है ना? चलो चलो, आज रीजनिंग का क्लास कैंसिल हो गया, तो आप लोग ये वाला और एक क्वेश्चन कर लो। ये किसी को डाउट है क्या इसमें, ये वाला क्वेश्चन में? बोल को भी, एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्लास करने के लिए इतने कम लोग हैं। ओ प्रासुर, जो आप तुम्हें आंसर टू दी दी सिलानो मैंने के हो, एनीवन हैविंग एनी सर, डाउट? फोर बाय कावर की बार डाउट है इसी नहीं क्या? फोर फोर बाय सेवन सर, 4/7 आया तो उसमें थ्री का ये होता है क्या, 22? 1 मिनट 1 मिनट, रिपो आना। ओ इतिहास को सुन सर, 4/7 आया सीपी और एसपी का, तो उसका 3/4 कैसे आया? देखो देखो, 4/7, 4/7 आया ना सीपी और एसपी का, तो हाँ प्रॉफिट सर, कितना हुआ, 4:7 रेशियो आया। तुमने चार वाला माल साथ में बेच दिया, चार का माल साथ में बेचा, प्रॉफिट कितना का हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ ना, 3 ज्यादा में बेचा ना, तो 3 प्रॉफिट हुआ। अभी प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइड करना है सीपी से, सो 3/4, ठीक है, 3/4 × 100 बहुत मतलब सेवेंटी थैंक यू फाइव सर। परसेंट ठीक है, ठीक। चलो तो ये हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला करो फिर आप लोग जा सकते हैं। अमन ब्रॉट सम फ्रूट्स एट द रेट ऑफ 7/12, मतलब 7 खरीदा 12 रुपए में, और बेचने के टाइम में जो है 10 बेचा 18 रुपए में। ठीक है, आपको आपको पूछना है, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या, कैसे करेंगे, हो जाएगा, आप लोग ट्राई करो, इजी है।
करो 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 एंड अमन bought some fruits at the rate of 7 for rupees 12. 7 fruit का दाम है 12 rupees. और बेचने के टाइम में बेचा वो 10 fruits at rupees 18. प्रॉफिट कितना हुआ वो बताना है. करेंगे समझ में नहीं आ रहा है क्या. देखो देखो देखो, 7 फ्रूट बेचो या 10 फ्रूट बेचो या 100 फ्रूट बेचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क क्या पड़ता है कि एक फ्रूट को उसने कितना दाम में बेचा है ना. एक फ्रूट, 7 फ्रूट अगर उसने खरीदा है 12 रुपए में, अगर उसका 7 फ्रूट का प्राइस 12 है तो एक फ्रूट का कितना है, 12/7 है ना. 7 फ्रूट का अगर 12 है तो एक फ्रूट का 12/7 है. ये हमारा कॉस्ट प्राइस है. 10 फ्रूट बेचा उसने 18 में, तो सॉरी 10 फ्रूट अगर 18 में बेचा तो एक फ्रूट कितने में बेचा होगा, 18/10 में बेचा होगा. ये हो गया हमारा एक फ्रूट का कॉस्ट सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालो. कॉस्ट प्राइस कितना है 12/7, सेलिंग प्राइस 18/10 को मैं 9/5 लिख रहा हूँ. रेशियो निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है. इसको 7 से कर दो, इधर 5 से कर दो. 60:9 × 7 = 60. 60 का माल 63 में बेच दिया, मतलब 3 का प्रॉफिट हुआ 60 में. 3 का प्रॉफिट हुआ 60 में मतलब कितना है, 1/20, 5%. 1/20 मतलब कितना होता है, 1/20 × 100% मतलब 5%, ठीक है. ऐसा क्वेश्चन आपको अगर पूछे कि 10 फ्रूट ये हुआ, 20 फ्रूट ऐसे, आप हमेशा एक फ्रूट में गेम खेलिए. एक फ्रूट का ही गेम होता है प्रॉफिट एंड लॉस. वो आप 100 फ्रूट बेचो, आप एक चीज आपको पता है कि अगर मैंने ये वाला जो पेन है ना, ये पेन सपोज मैंने 100 रुपीज में खरीदा, अगर मैंने ये पेन सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाला पेन मैंने सपोज खरीदा 100 रुपीज, सपोज कॉस्ट प्राइस था 100, मैंने इसको बेचा 150 में, तो आप बोलिए मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, जल्दी बोलिए कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है. फिफ्टी परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है. ऐसा अगर मैं, ये तो सिर्फ फॉर वन पेन है ना. आप ऐसा 10 पेन ले लो, 10 क्या 20 पेन ले लो, 20 पेन में सीपी क्या होगा, 2000 होगा ना. और एसपी क्या होगा, अगर मैंने एक को 150 में बेचा तो एसपी क्या होगा, 3000 होगा. अभी देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, अभी कैलकुलेट कीजिए कितना प्रॉफिट परसेंटेज. है ना, प्रॉफिट परसेंटेज को कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप एक सामान बेचेंगे कि 10 100 सामान बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा, ठीक है. क्योंकि जो चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऊपर हो रहा है, वो तो नीचे भी हो रहा है ना, तो वो तो ऐसे भी कट ही रहे, ठीक है. उतना छोड़ो, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन में आप हमेशा एक फ्रूट को पकड़िए, एक फ्रूट को लेके उसमें खेलिए, इजीली आंसर आएगा. एक फ्रूट को पकड़ो उसका सीपी निकालो, एक फ्रूट को पकड़ो उसका एसपी निकालो, सीपी एसपी का रेशियो निकालो, आंसर निकालो. सिंपल, एकदम प्लेन, कोई चेंज नहीं है, ठीक है. चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय. जिसको हो गया वो लोग जा सकते हैं, और किसी को डाउट है तो यू कैन स्टे, क्लास इज ओवर.